मेरी आज की ये जो हाजिरी हो रही है, मेरे इंतहाई मोहतरम मुशफिक और मेहरबान हजरत मौलाना सदीक अहमद साहब जीदा मजदूम के हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई है। और यकीनन दिल खुशी से मेरा झूम उठा आपके इस मजमे को देखकर, और फिर हर तरफ जब यहाँ नूरानी शख्सियात मुझे नज़र आ रही हैं, यकीनन अल्लाह की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे होंगी। तो मैं आप सबको मालूम है मेरी मादरी जुबान चाइनीज़ है, लेकिन आपको कलाम में उर्दू में और पश्तो में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। आपने परेशान नहीं होना, बस मेरी ये गुजारिश है जो शेर समझ में आए, ईमान तादा हो तो सुभानअल्लाह भी कहेंगे और पता चले कि मुजाहिदों का मजमा है। कौन कौन यहाँ अल्लाह को राजी करने के लिए आया है, हाथ खड़ा कर लगा एक दफा। सब अल्लाह की रजा के लिए आए, अल्लाह को राजी करने के लिए एक दफा ऐसे बुलंद आवाज से सुभानअल्लाह कहें कि ये दरो दीवार और ये सारी वादी गूंज उठे। एक मतलब बुलंद आवाज से कहें जरा सुभानअल्लाह, ऐसे कैसे गूंजेगा। बाबा दे बुलंद कहें सुभानअल्लाह, दुरूद पाक पढ़ लें मोहब्बत से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। इब्तिदा में हम्द बारी तआला के कुछ अशआर मैं आपको सुनाता हूँ और मेरे साथ मिलकर अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। दिल को अगर चमकाना हो तो कर लो जिक्र इल्लल्लाह, करता हूँ या अल्लाह जो मेरा भाई जितना बुलंद सुभान अल्लाह कहे उतना जल्दी मदीने जाए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके एक दफा कहें जरा सुभान अल्लाह। सोचो जरा फिर
को किसने पाला, गौर करो मछली के शिकम में यूनस को किसने पाला, पहले आग में डाला और फिर आग को खोल किसने किया, जिक्र करे इन हाथों को कभी किसी का मोहताज ना बनाना, हाथ बुलंद करें एक दफा अल्लाह की मोहब्बत में और झूम के कहें जरा ला इलाहा इल्लल्लाह, थक गए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, खुश रहा करें, मुस्कुराते चेहरे आपके साथ अच्छे लगते हैं। मैं आप सब अहबाब को एक खूबसूरत नात शरीफ सुनाता हूँ और नात ऐसी सुना रहा हूँ जिसमें एक मिसरा पश्तो का है और एक उर्दू का है। अब भी अगर आप सुभाना ना कहें तो आपसे बड़ा कंजूस और कौन होगा, कहते सुभान अल्लाह मोहब्बत से। मेरे हजरत पीर मुर्शिद महबूब उलमा हजरत मौलाना फैज़ुल फ़क़ार अहमद नक़्शबंदी साहब।